भारत के लिए नियंत्रण रेखा LOC वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और हिंद महासागर में दुश्मन पर नजर रख पाना आसान होने जा रहा है। भारत को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन की वजह से दुश्मन के लिए इन संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चालाकी कर पाना असंभव होगा। ये ड्रोन किसी भी विमान की तुलना में ज़्यादा दूर तक उड़ान भर सकता है और काफ़ी समय तक हवा में रह सकता है। दिन हो या रात, दोनों स्थिति में फुल मोशन वीडियो दे सकता है। इसकी मदद से अब भारत दुश्मन की हर एक हरकत की निगरानी रख सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस सौदे की लागत $3 अरब से भी अधिक है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 5 साल तक इस पर काम किया गया है और अब इसे आखिरी रूप दे दिया गया है। इस ड्रोन सिस्टम को भारत के लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी और रक्षा जरूरतों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस सौदे के हो जाने से तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन दिए जाएंगे। साल 2017 में भारत और अमेरिका के बीच ये सौदा तय किया गया था। भारत भी इस सौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहता है, क्योंकि ड्रोन सिस्टम की मदद से भारत न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बल्कि हिंद महासागर में भी सिक्योरिटी के लेवल पर निगरानी सिस्टम को और मजबूत कर सकेगा। बताया जाता है कि इस सौदे को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन समेत कई टॉप लेवल के अधिकारियों से बात की है। इस बैठक में भी दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि जल्द ही इस सौदे को अंतिम रूप दे दिया जाए। भारत के साथ साथ अमेरिका भी इस सौदे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इस सौदे को अंतिम रूप मिलने के बाद वहां रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इससे राजनीतिक रूप से भी लाभ मिलेगा।